ये साड़ी आप लेके आए हो? नॉट बैड हाँ? अब हो जाइए टर्न। हेलो हेलो, ये साड़ी लुक्स गॉर्जियस। थैंक यू। कैसी हैं आप मैम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिस्टर सिंह, मिस्टर सिंह आइए, मैं आपको बुलबुल से मिला देता हूँ। वैसे बहुत तो बहुत ही सुंदर और चुन के लाए। वीर और इनकी जोड़ी तो बहुत ही परफेक्ट है। देख ले बुलबुल, इसे कहते हैं परफेक्ट जोड़ी। वीर के बराबरी की लड़की, यानी मैं तेरी जैसी फेलियर नहीं। शालिनी जी, ये हमारी बहू नहीं है। हमारी जो बहू है ना बुलबुल, उसकी बहन दृष्टि है। यस मैम, मैं वीर की पत्नी बुलबुल की बहन। बुलबुल आ जाओ बेटा। ये शालिनी जी हैं, DIG सर की वाइफ। और शालिनी जी, ये हमारी बहू बुलबुल। नमस्ते। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? हेलो, आप तुम DIG सर से नहीं मिली ना? जाओ उनसे मिल लो। वीर जी, बेटा इसे मिलवाना जरा DIG सर से। जाओ जी। थानेदार साहब, मैं वो आपकी दी हुई साड़ी ना बुलबुल, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। अपनी पसंद नापसंद के लिए कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। थानेदार साहब, मैं सच में वही साड़ी पहनने वाली थी। पता नहीं कब स्त्री चाची से इतनी गर्म हो गई और वो साड़ी जल गई। मैं सही में वो पहनने वाली थी। ये चिपक कैसे गया? नहीं 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 नहीं, थानेदार साहब ने इतने प्यार से दी ये साड़ी। मैं क्यों मेहनत करूं बुलबुल? अब तो तू अपना तोहफा खुद ही खराब करेगी। मेरे हिसाब से मिलना चाहिए। सर, या सर, माय वाइफ बुलबुल सिंह। हेलो, हाउ आर यू डूइंग? नमस्ते। नमस्ते वीर। सर, सेलिब्रेशन शुरू होने से पहले तुम्हारी और तुम्हारी वाइफ की एक पिक्चर तो बनती है ना हमारे साथ? अब शालिनी, अब जरा वाइफ हस्बैंड को रहने दो, बाहर आ जाओ। अरे भाई, तुम दोनों इतने दूर क्यों? पास आ जाओ प्लीज। वीर कम ऑन, एक रोमांटिक पोज दो यार। वीर, अरे थोड़ा और क्लोज होके एक पिक्चर दो ना प्लीज। सर,
बुलबुल अच्छी सी फोटो खिंचवा ले, क्योंकि कुछ ही दिनों में तेरी शादी की बस यही एक याद रहने वाली है। जीजी, हाँ बोल ना। जीजी, लगता है थानेदार साहब अपनी घरवाली से नाराज है। आप वो जीजी, हाँ? वो अंग्रेजी वाली चिट्ठी आप मारे को लिख के देने वाले थे ना, वो दे दो मारे को लिख के। अच्छा ठीक है, मैं लिख के देती हूँ तुझे। अरे Attention, ladies and gentlemen. Now the main part of this program. ACP वीर प्रताप को उसकी जाबाजी और दिलेरी से कर्तव्यता के परे जाकर काम करने के लिए पुलिस फोर्स के द्वारा नवाजा जाएगा। Come on, give a big round of applause, ladies and gentlemen. वीर भाई। कहाँ हो जीजी, जल्दी आओ ताकि डीआईजी सर के बाद मैं अपनी बात कह पाऊँ। एसीपी वीर प्रताप सिंह ने ना सिर्फ नाबालिग लड़कियों का धंधा करने वाले गिरोह को पकड़वाया, बल्कि नकली सर्टिफिकेट बनाने वाले रैकेट का भी पर्दाफाश किया है। जीजी, जल्दी आओ, जल्दी आओ। बुलबुल, ये देख, मैंने सब कुछ अच्छे से लिख दिया, बस तुझे पूरे दिल से पढ़ना, ठीक है? थैंक यू जीजी। वीर, राजस्थान पुलिस फोर्स को तुम पर गर्व है। वी आर प्राउड ऑफ यू। इसी तरह ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ तुम अपना काम करते रहो। तब बस ये एक मौका है थानेदार साहब की नाराजगी दूर करने का। जा बुलबुल, बहुत अच्छा मौका। जीजी, अंग्रेजी बुलबुल, जाना, मैंने सब लिख कर तो दिया है, बस तुझे बोलना है, जा। अब मैं चाहूंगा कि वीर की फैमिली में से कोई आए और हमारे होनहार डायनेमिक एसीपी वीर प्रताप के लिए दो शब्द कहे। एनीबॉडी? सुलच्छो, जहां वीर के आईपीएस ऑफिसर बनने और यहां तक के सफर का सपना तूने भी तो देखा है उसके साथ साथ, हैं? जा 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 कहना। इस चिट्ठी के आधे से ज्यादा अक्षर तो मिट गए, अब मैं इसे कैसे पढूं, अंग्रेजी कैसे बोलूं? कमान भाभी, मुश्किल नहीं पहाड़ ते पछाड़। हेलो, माय नेम बुलबुल वीर, बुलबुल वीर प्रताप सिंह। आई वीर प्रताप सिंह वाइफ। आई चैंट टू येल वीर थानेदार साहब दैट शी इज वेरी स्कैरी। I am very, very yucky.
यकी मतलब गंदा होता है, यकी दाग होता है। इनकी पूरी फैमिली एक थान से बनी है और इनकी बहू अलग कपड़े से ही कटी है। इतने स्मार्ट पढ़े लिखे लड़के को ऐसी लड़की से शादी करने की क्या जरूरत थी? बस करो बलबल, बस करो। बहुत बांध लिए तुमने तारीफों के पुल, बस करो और मत बोलो। अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई है, हमारे को और बोलना है अभी। मैंने कहा ना चलो यहाँ से, चल। नहीं, नहीं। प्लीज मेरे को बोलने दीजिए। सबसे पहले मैं आप सबसे बहुत बड़ा वाला सॉरी बोलती हूँ हमारी उल्टी फुल्टी बातों के लिए, लेकिन मैं बस थानेदार साहब को सब बस थानेदार साहब को खुश करना चाहती थी, इसीलिए आज मैंने बस एक नई कोशिश की। और कोशिश करना तो अच्छी बात होती है ना, लेकिन मारे को समझ आ गया कि थानेदार साहब की मैं अंग्रेजी में तारीफ करूं या किसी भी भाषा में, मारे को उनकी अच्छी बातें बताने के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो है ही इतने अच्छे। एक उसूलों वाले पुलिस अफसर, एक बहुत आज्ञाकारी बेटे, बहुत साथ देने वाले पति, अच्छाई, ईमानदारी, सच्चाई में कूट कूट के भरी है। मैं तो खुद मानती कि मैं किसी भी तरीके से इनके बराबरी की नहीं हूं। तो खाटू श्याम जी ने हमारी किस्मत ऐसे चमकाई जैसे आसमान में चमकते सितारे। मैं तो बस एक 12वीं पास लड़की हूँ जो इनके साथ बन गई है। इसलिए आज थानेदार साहब हमारे साथ हैं। प्लीज सर, एसीपी से सीधा थानेदार, और आपका तो डिमोशन हो गया। नहीं, मैं उन्हें पहले से ही थानेदार साहब बुलाती हूँ ना, हमारे को पता है ये IPS है। मैं सुबह से ही इस जश्न को लेके बहुत डरी हुई थी कि आप लोग जैसे बड़े बड़े लोग आएंगे। मैं कटोरी काकी साहब को भी यही बता रही थी, मैं तो घेली हूँ, मारे को कुछ भी समझ नहीं आता है, लेकिन मारी वजह से आप लोग थानेदार साहब को गलत मत समझिए। वो तो बहुत अच्छे, हमारे कम पढ़े लिखे, बुद्धू, फेलियर होने का एहसास कभी भी मारे को नहीं दिलाते। ये तुम्हारे को बहुत प्यार से सब कुछ सिखाते, हमारे टीचर बन के। और रसोई में कभी कभार हमारे सोस शेफ बन के। बस भोला, सबके लिए ठंडा शरबत लाओ और गरम गरम पकौड़े खिलाओ, प्लीज आप लोग एंजॉय कीजिए। चलो। सॉरी पासा। क्यों मांग रही हो तुम माफी? क्या करना चाहती थी, क्या कर रही थी पता भी है तुम्हें? आज तुमने वीर की नहीं पूरे परिवार की बेइज्जती करवाई है। मासा, मैं तो बस थानेदार साहब को अपने दिल की बात बता रही हूँ, उनकी तारीफ कर रही थी, वीर की तारीफ कर रही थी,
ये तरीका है तारीफ करने का? कितनी बेइज्जती करी है तुमने उसकी। आज कितना बड़ा दिन था उसके लिए। कितना बड़ा दिन? ये शाम उसके लिए कितनी जरूरी थी, लेकिन तुमने उसकी शाम को शर्म में बदल दिया। अगर बोलना नहीं आता तो बोला मत करो बुलबुल, मत करो। बस बस माफ कर दीजिए। मुझे तो लगा था छोटा सा धमाका होगा, लेकिन तूने तो अलग ही लेवल का तमाशा कर दिया। 100 out of 10 पर जा बुलबुल। चलो ऐसे चलो चलो। दादी देखा ना आपने, बुलबुल चाचा ने वीर चाचू की कितनी बड़ी इंसल्ट कर दी, वो भी उनके सीनियर्स और करीब के सामने। क्या सोचेंगे चाचू के बारे में, कितनी शर्मनाक बात है ये। फिर भाई आपको पता है ना, बुलबुल भाभी सबके सामने आपको सरप्राइज देना चाहती थी, पर लोगों ने उनका मजाक बना दिया, यहां तक कि आपके कलीग्स ने भी। आपको पता है बुलबुल भाभी को कितना बुरा लगा, आपने किसी को रोका क्यों नहीं, सब हंस रहे थे उन पे, आपने स्टैंड क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं बोला कि मत बोलो मत हंसो उन पे। मैं हर बार बुलबुल के लिए उसके सपोर्ट में खड़ा नहीं रह सकता भाइयों, उसे लड़ना होगा, अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी भाइयों, लोगों के मुंह से निकली हुई बातों का सामना करना पड़ेगा उसे खुद से, अपने लिए खड़ा होना होगा, अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ा होना होगा उसे। और मुझे पूरा विश्वास है एक ना एक दिन बुलबुल ये जरूर कर पाएगी। फिर भाई अभी आपने क्या बोला मुझे कुछ समझ नहीं आया। क्या हुआ रिंकी? अरे शालिनी जी क्या हुआ, आपकी बेटी को कहीं चोट तो नहीं लग गई? सुलक्षणा जी बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है, मेरी बच्ची का डायमंड का नेकलेस गायब हो गया है। मैम मामा प्लीज शांत हो जाइए, वो बच्ची का नेकलेस यहीं कहीं होगा, अगर हम लोग सब साथ मिलकर ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। नहीं मिल रहा है वीर, इसीलिए शोर मचा रही हूँ। मैम मैम प्लीज काम डाउन, प्लीज काम डाउन, हमें एक मौका दीजिए, एक बार बस देख लेते हैं, अगर मिल जाएगा तो फिर अच्छा ही होगा। सिंह अमर जरा देखो, फटाफट देखो वायु। हाँ वीर भाई मैं देखता हूँ। ढूंढने से कोई फायदा नहीं है, मुझे पता है नेकलेस चोरी हुआ है। चोरी? ये एक सीनियर पुलिस ऑफिसर का घर है शाली, यहाँ सभी पढ़े लिखे और इज्जतदार लोग रहते हैं, यहाँ तुम्हें कौन चोर दिखता है? वो नौकरानी। यहाँ सारे लोग इज्जतदार हैं, पढ़े लिखे हैं, पुलिस वाले हैं, पर ये तो इनके घर की नहीं है ना, ये औरत बच्चों के साथ पूरा टाइम थी, इसी ने चुराया है। मैंने कोई चोरी नहीं की है, सच मैंने नहीं की, मैंने कोई चोरी नहीं की। भाई जी चोरी कर ही नहीं सकती है, आपको कोई गलत फहमी हुई है, वो काफी सालों से हमारे साथ रह रही है, वो ऐसा नहीं कर सकती। अब किसी की मजबूरी है या किसी की नियत में खोट, ये मुझे क्या पता। शालिनी जी वो हमारे परिवार की ना सही, लेकिन हमारे परिवार जैसी ही है, वो ऐसा काम कर ही नहीं सकती, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। आपकी गारंटी से सुलक्षणा जी मेरी महंगी चीज तो वापस नहीं आ जाएगी। भाई जब शांत हो जाइए, आपने वो नेकलेस कहीं देखा था? हाँ वो रिंकी बिटिया को गले में खुजली हो रही थी, मैंने बस ठीक किया था तभी देखा था। माँ की कसम मैंने कोई चोरी नहीं की, सच मैंने नहीं चुरा।
तुमने उलट पुलट दुनिया देखी है? नहीं नहीं? बड़ा मजा आता है जब सर पर पैर और पैर पर सर होता है, आसमान धरती पर होता है और धरती ऊपर। मैं तुम्हें करके दिखाऊं? यस। तुम डरोगी तो नहीं ना? नहीं। आ जाओ। अरे उलट पुलट उलट पुलट उलट पुलट उलट पुलट उलट पुलट उलट उलट पुलट उलट पुलट उलट। बुलबुल क्या कर रही हो? अरे रुक जाओ। बुलबुल बच्ची को नीचे उतार। उलट पुलट उलट पुलट। ये तो सुन ही नहीं रही है, पागल है क्या ये लड़की? हो गया। शालिनी मैम, ये आपके बच्चे का नेकलेस, ये आप प्लीज रख लीजिए। यही है ना? जी यही है। थैंक यू, आपने मुझे बचा लिया छुट्टी मालकिन, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो अच्छा हुआ हमारी बिंदनी ने समय से ढूंढ लिया, वरना आप तो मारे को लग ही रहा था हो ना हो वो पेंडेंट तुम्हारे फ्रॉक में ही होगा, और ऐसा तो कई बार मारे साथ भी हो जाता है, मारी चेन मारी झुमके ऐसे ही मारे कपड़े में अटक जाते। दिखा रही थी पढ़ाई में पैदल पर दिमाग से अव्वल हूं। शालिनी मैम, मुझे खुशी है कि आपका कोई कीमती सामान हमारे घर में खोया नहीं, और मुझे इस बात की भी खुशी है कि किसी बेकसूर पर बेबुनियाद इल्जाम नहीं लगाया गया। मैम सब, और डीआईजी सर तो खुद ही इतनी बड़ी पोस्ट पर है, और थानेदार साहब हर बार मारे को ये बात कहते हैं कि पुलिस वालों का सबसे पहला नियम होता है कि बिना किसी ठोस सबूत के किसी पर भी इल्जाम लगाना एक बहुत बड़ा अपराध है, और चोर की चोरी सबूत से साबित होती है, उसके जानने वाले काम उसके समाज में दर्जे या उनकी पढ़ाई से नहीं। और जब खाटू श्याम जी ने हमें बनाते वक्त कोई भेदभाव नहीं किया तो हम इतना बड़ा पाप कैसे कर सकते हैं? लेकिन शालिनी मैम, आज एक इंसान के साथ भेदभाव हुआ, बुलबुल के साथ। आज मेरी पत्नी ने इंग्लिश बोलने की कोशिश की जो कि उसकी गो टू लैंग्वेज नहीं, लेकिन किसी ने भी उसकी हौसला अफजाई या फिर उसकी तारीफ करने की कोशिश नहीं की, सबने उसका मजाक बनाया, उस पर हंसे, मुझसे मेरी बराबरी करने की कोशिश की। लेकिन बुलबुल जो कि 12वीं पास है, इस प्रॉब्लम का जब सलूशन निकालती है, अपनी समझदारी अपनी सूझबूझ अपनी अकल का इस्तेमाल करती है, तो मेरा विश्वास और पक्का और अटूट हो जाता है कि मुझे बुलबुल जैसा लाइफ पार्टनर इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्म में भी नहीं मिल सकता। समझा? समझ गया वीर भाई। थैंक यू थानेदार साहब। बुलबुल भले ही हमारी शादी में ना रहना चाहे, लेकिन इस बात का ये मतलब नहीं है कि मैं और बुलबुल एक दूसरे के साथ परफेक्ट नहीं है। आई मस्ट टेल यू वन थिंग एसीपी वीर, यू आर वेरी लकी, तुम्हें बुलबुल जैसी वाइफ मिली है। हु इज सो इंटेलिजेंट एंड शार्प। Now, शालिनी, तुम्हें भाई जी से और पूरी फैमिली से माफी मांगनी। Now, just do it.
सॉरी भाई जी। कोई बात नहीं मेम साहब, होता है। सॉरी सुलक्षणा जी। कोई बात नहीं मैम। सर कोई बात नहीं। मुझे बुलबुल जैसा लाइफ पार्टनर इस जन्म में तो क्या, अगले सातों जन्म में भी नहीं मिल सकता। यू आर वेरी लकी, तुम्हें बुलबुल जैसी वाइफ मिली। विक जोड़ी एक दूसरे के लिए बने। अब मैं देखती हूँ इन दोनों की कुंडलियां कैसे मिलती है। हेलो पंडित जी, बुलबुल की कुंडली बनी या नहीं? बन गई है तो ये बताने के लिए आप मुझे मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे क्या? ठीक है हम आते हैं। प्रणाम पंडित जी। आपने बुलबुल की नई कुंडली बना ली ना? अब वीर की कुंडली के साथ उसे मिलवा लिया, सब ठीक है ना? सुरक्षा जी, जी मैंने वीर और बुलबुल की कुंडलियों को कई बार बांचा है और कई बार मिलाया है। आपके लिए मेरे पास बहुत बुरी खबर है। क्या 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 बुरी खबर है पंडित जी? बुलबुल की कुंडली में एक बहुत बड़ा दोष है, अमावस दोष। वीर और बुलबुल की कुंडलियां मिलाने के बाद ये बात स्पष्ट हो गई है कि बुलबुल से विवाह करने के पश्चात उसके अमावस दोष के कारण वीर के जीवन में बहुत बड़ा संकट आ गया है। इसका मतलब बुलबुल और वीर की शादी कभी होनी ही नहीं चाहिए थी। पंडित जी आप ये क्या कह रहे हैं? पंडित जी बिल्कुल सच कह रहे हैं, मुझे इसी बात का डर था। इतना बड़ा धोखा दिया है तुम्हारे परिवार ने हमें, मुझे गीता से बात करनी होगी। गीता अभी के अभी अपने पंडित जी के घर आ जाओ, बिल्कुल देर मत करना। रिश्ता, हमारी ये शादी हमारे लिए बहुत मायने रखती है थानेदार साहब, पर मैं इसे हर हाल में निभाऊंगी। और अगर मारी वजह से आपको कोई दुख पहुंचा हो तो मुझे माफ कर दीजिए।